प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक संचालित कार्यक्रम के तहत परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 8 अक्टूबर को DTH चरगावा में नारी मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला ऑटो चालकों को सम्मानित किया गया तथा सड़क सुरक्षा के प्रति शपथ दिलाया गया तथा महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन पर शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा महिला चालक सुनीता चौधरी, तारा देवी तथा मानव अधिकारी समाज सेवी शांति भवानी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मीना कुमारी को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी VK सिंह, संभागीय निरीक्षक सीमा गौतम, ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष JK द्विवेदी सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सम्मानित होने वाली महिला ऑटो चालक सुनीता चौधरी और RTO अनीता सिंह ने कहा, ऐसा क्या हमारे समाज में विगत कुछ वर्षों में या कहते कुछ दशकों में ऐसा क्या हो गया कि हमारे समाज में स्थिति ऐसी हो कि हमको मिशन शक्ति का अभियान चलते हमारे देश में अनाधिकार स्त्रियों को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के लिए जो आज यहाँ पर प्रयोग किया गया है, थोड़ी सी नहीं छोटी सी लाइन होगी, मिशन शक्ति का महिलाओं का कार्यक्रम है, युवाओं का है, युवाएं भी हमारे जो नए युवक हैं वो भी हम सबसे ही उत्पन्न है, ऐसा नहीं है, सभी के घर में बहन होगी, बेटी होगी, माँ होगी, भाभी होगी, तो यहाँ जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, जो चीज़ें अपने अंदर बैठा रहे हो, ये क्लास का वो क्वेश्चन आंसर नहीं है कि आप लिख लिए, जब मन करेगा तब याद करेंगे और छोड़ देंगे, बाद में याद करेंगे, नहीं, आप घर में जाओ इसको, जो यहाँ पे जैसे भी हमारे अतिथि हैं, आप भाई साहब हैं, चाहे यहाँ पे जो भी आए हैं, सबकी बातों को सुनिए, जहन में रखिए और घर जाके अपने घर में उन महिलाओं के साथ, उन बेटियों बहनों के साथ उस चीज़ को शेयर करिए कि आज हम जिस जगह पर गए थे, जिस प्लेटफॉर्म पर, वहाँ हमें एक अच्छी सी चीज़ सीखने को मिली, और तुम लोग देखो इस चीज़ को अपने जहन में रखो कि कहीं बाहर जाओ तो उनको अच्छा लगे, उसको फॉलो करो। नारी शक्ति के रूप में उनकी
पूजा और आराधना उसे शक्त लेने की सामर्थ्य प्राप्त करने की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। जब सब शक्तियाँ समर्पित हो जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं, तो उस समय नारी शक्ति की याद बहुत ही आदिकाल से आरटीओ मैम तो और सी
सीमा जी, सीमा मैम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्वांचल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी के द्विवेदी जी, जिनके द्वारा आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए है, इसमें परिवहन विभाग को एक हर सप्ताह एक कार्य दिया जा रहा है। इसमें इस महीने सप्ताह जो है ऑटो टैक्सी यूनियन के जो भी महिला चालक हैं और उनका सम्मान करने के लिए दिया गया था। और बहुत ही लकी हैं, समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो सुनीता चौधरी हैं, जो महिला पहली महिला ऑटो चालक हैं, उनको आज हमने सम्मानित किया। साथ में तारा सिंह हैं, तारा देवी हैं, वो भी एक महिला ऑटो चालक हैं जो गोरखपुर गोरखपुर में अपने जीविका के लिए ऑटो चलाती हैं और पंद्रह ऑटो चलाती हैं, सम्मान ऑटो चलाती हैं, आज हमने उनका सम्मान किया है। और हमारे पास एक अद्भुत प्रतिभा की व्यक्तित्व की मालिक हमारे पास शांति अंबानी जी, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग काउंसलर हैं और बहुत समाज सेवा सेवा का भी काम करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है कि आज उनसे भी बहुत मुलाकात हुई और हमने आज उनको सम्मानित किया। और एक उनकी ही सहयोगी हैं आंगन कार्यकर्ति वो हमारे यहाँ की, और आज वो आई हैं और अपने लिए अपना समय दिया हम लोगों ने, उन्होंने आज सम्मान किया मिशन शक्ति के अंतर्गत। और आगे भी परिवहन विभाग ऐसे महिलाओं के लिए जो आगे बढ़कर किसी क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका भी हम सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। और हम महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि अपनी शक्ति को पहुँचाने और आगे आगे अपने स्वावलंबन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शक्ति के लिए आवाज़ उठाएँ।